आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। 25 अगस्त यानी आज चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ये मीटिंग भारत की रिक्वेस्ट पर हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। शी जिनपिंग से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे। दोनों नेताओं के बीच तनाव कम करने के लिए अधिकारियों के बीच चर्चा पर सहमति बनी। इससे पहले समिट के आखिरी दिन दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बातचीत करते नजर भी आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी और जिनपिंग ने आपस में हाथ भी मिलाया था। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने बताया कि मोदी और जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी और तनाव कम किया जाएगा। वहीं भारत चीन के बीच लद्दाख में सैनिकों की तैनाती कम करने पर बनी सहमति पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पूछा है कि ये फैसला चीन की शर्तों पर लिया गया है या भारत की शर्तों पर। भारत की उस पोजीशन का क्या हुआ जिसमें हम अप्रैल 2020 के पहले वाले स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे। इसे बदलने पर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन अपने सैनिकों को विशेषकर गलवान घाटी से पीछे हटाएगा और सरहद पर दोनों देशों के बीच दिए गए निर्देशों के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।